नमस्ते स्मिता बिड़िया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग और इन न्यू हाउस। और इधर सब उल्टा उल्टा हो गया। इधर रिशु जल्दी उठ गया। रिशु घूमने गया था मॉर्निंग वॉक के लिए, फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। और उसके पापा को भी लेके गया था कि चलो पापा बॉल खेलते हैं। ओ माय गॉड, से हाय। वाओ, बॉल किसका बॉल है? रिशु का बॉल। ठीक है चलो, मम्मा को खाना पकाने दो। और इधर हमारा शेड्यूल भी चेंज हो गया है। और इधर हम शायद नहीं आ पाएंगे घर को खाना खाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा दूर है घर, ऑफिस घर से थोड़ा दूर है। नहीं तो अमरावती भी आते थे, मतलब मोस्टली आते थे खाना खाने के लिए। तो इधर टिफिन देना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए अलग है। और सुबह में ब्रेकफास्ट बनाओ और टिफिन बना के दो, ऐसे लंच का प्रिपरेशन भी करो। तो जल्दी जल्दी में करते हैं, जल्दी जल्दी में करते हैं। मजा आ रहा है इस घर पे? क्या है बाबा, बाबा पेड़ लगा रहे तेरे लिए? वाओ, इसका व्यू अच्छा है ना, सुबह का व्यू अच्छा है, क्योंकि हम सुबह उठे थे, सुबह का व्यू अच्छा है। बाप रे, उधर बंदर थे, इधर क्या है कबूतर। इधर कौन सा गाना गाए? बंदर कबूतर जा जा जा। अरे झूठ मूठ का क्यों रो रहा है? पता है क्या, लंच की प्रिपरेशन खत्म हो गई हमारी। नहीं मिला। कितने बजे है? 9 बजे है। रिशु का तो खिचड़ी होना है। नहीं रोज, उस दिन तो खाया था अच्छे से। हाँ खिचड़ी भी था उस दिन। हाँ खोल दो डाइपर। सिर्फ ये हुआ कि मैं कंघी नहीं कर पाई। हाँ मैं कंघी नहीं कर पाई, सिर्फ नहा के आई। थोड़ा चाय पी लेते हैं, क्योंकि सुबह मैंने चाय पी थी, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी में जो चाय पी तो वो चाय नहीं लगी मुझे, पानी जैसे लगा। तो अभी थोड़ा चाय पियेंगे। किधर रखेंगे इसको, हमारे सेटअप को? सेटअप प्लीज देखिए। वाह ये तो अच्छा दिख रहा है, रिफ्लेक्शन दिस इज गुड। 3 बजे हैं और मैंने दालमा लगा दी टिफिन के लिए, और ये पराठे लगा दी, पराठे रिशु का छोटा सा रोटी और इतना सा भिंडी था। तो शैलित लेके चले जाएंगे और हमारे लिए कुछ और बनाऊंगे और रिशु के लिए खिचड़ी भी बनाऊंगी। रिशु देख क्या कीड़ा है, ये नेट पे बैठा है, देखना देख 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 जाके। ये वाह वाव नहीं रिशु, अभी फोकस नहीं कर रहे। हाँ रिशु बाबा किधर गए? ऑफिस चले गए, लेके नहीं गए गाड़ी। हाँ कैसे गाड़ी घूम किया? गाड़ी कैसे चलाते? पीपी पीपी इधर देख के बोल पीपी। और रिशु हमारा जल्दी उठ गया था तो अभी उसको नींद आ। हाँ बाबा ने दरवाजा दे दिया फिर चले गए। हाँ पूरी स्टोरी बता रहा है आपको। मामा कबर्ड, मामा ने दरवाजा दे दिया। ठीक है फिर पापा चले गए। फिर रिशु मेरे साथ रुकेगा। बाबा कबर्ड मतलब ओडिया में दरवाजा को कबर्ड बोलते, तो वही बोल रहे कि बाबा दरवाजा दे के गए है। ठीक है किधर जाएंगे रिशु? हाँ क्या हो गया इधर? हाँ बाबा ऑफिस चले गए, ऐसे गए इधर से? अरे यार। हाँ बाबा ने चप्पल पहना। ठीक है किसके चप्पल पहना? रिशु के चप्पल। बाबा ने रिशु के चप्पल पहन के गए, फिर रिशु बेचारा क्या करेगा? आ रहे हो बाबा ऑफिस? हाँ क्या खाने में क्या बनाए हो? कबड़ी बड़ी। हाँ दाल बना रहे हो और चावल? हाँ क्या है खाने में? अरे वाह बहुत ही कलरफुल खाना है। वाह रिशु हाँ टेस्टी गालम। ओह गर्मी, ओ सॉरी गरम है। हाँ पहले यम्मी तो बोल। नामी कार्टून्स इधर जमे हो गए कि थोड़ा सा कुछ तो मैं नेट पे सर्च कर रही थी क्रिएटिविटी करूँगे, क्योंकि बहुत सारे सामान की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल की। ये टीवी के नीचे थोड़ा सा कुछ ऐसे टेबल वेबल लगाएंगे, क्योंकि वो
रिमोट वगैरह इधर उधर रख रहे हैं ना, तो उसके लिए। लेकिन क्या इतने अच्छे अच्छे क्रिएटिविटी, मतलब नेट पे मैं सर्च कर रही तू तो अच्छा तो लग रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं, लेकिन आई होप मैं कर पाऊँ वो वाले सब क्रिएटिविटी। लेट्स ट्राई, कर लेंगे थोड़ा सा। रीसू अभी सो गया है, 11 बजे सुबह उठ गया था तो उसको नींद आ रही, इतना चिड़चिड़ हो रहा था वो। फिर मैंने उसको सुला दिया, भाई तू 1 घंटा सो जा, फिर उसके बाद वो चिड़चिड़ नहीं करेगा। तो सो गया तो मुझे टाइम मिला है। तो ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मैं इसके इससे पहले खादी का इस्तेमाल मैंने किया है, पील ऑफ मास्क और एवरयूथ का जो ऑरेंज पील ऑफ मास्क, लेकिन मुझे एवरयूथ का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन खादी का बहुत ही अच्छा लगा था। लेकिन अभी फ़िलहाल तो टाइम नहीं था मेरे पास, मतलब ऑर्डर करूँ फिर आएगा, तो मैं सोची कि चलो इसको ट्राई कर लेते। तो हिमालयन ये मॉइस्चराइजिंग कुकुम्बर पील ऑफ मास्क ये लगा रही हूँ, क्योंकि कुछ इतने मतलब भाग दौड़ में स्किन का केयर बिल्कुल नहीं ले पा रही थी, तो अभी थोड़ा टाइम मिला तो आज से शुरू करते हैं खुद की देखभाल, और पढ़ने को भी टाइम मिल रहा है। इसमें क्या होता है, मतलब आप पील ऑफ मास्क लगाते हो तो उसमें क्या होता है, आपके जो डेड सेल रहते हैं वो निकल आते हैं, फिर वो आपका स्किन मतलब ब्राइट रहता है, मतलब ग्लोइंग लुक देता है, नए सेल मतलब फिर से होते हैं। तो पील ऑफ मास्क कम से कम महीने में 2 बार कर सकते हैं आप, पता नहीं। और इसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए रख दूँगी, फिर उसके उसको धीरे धीरे करके ऐसे निकालूंगी। और हाँ, सबके लिए एक ज़रूरी सूचना कि इसमें मैं अपनी चैनल में जो भी होम रेमेडी या कुछ भी प्रोडक्ट ऐसे रिव्यू करती हूँ ना, तो वो मैं अपने ऊपर ट्राई करती हूँ, फिर वो देती हूँ, ज्ञान देती हूँ। तो मतलब अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है स्किन रिलेटेड, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर के साथ बात करके फिर आप लगा सकते हो, नहीं तो बोलोगे भाई ये तो कुछ फंसा रही है, बिल्कुल नहीं, मैं अपने आप ऊपर ही ट्राई करती हूँ उसके बाद ही बताती हूँ। अगर आपको कुछ भी स्किन इरिटेशन है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके फिर लगाना। रिसु के पास सोते सोते, मतलब सोई नहीं थी, बस पढ़ रही थी, सो के पढ़ रही थी, और फिर वो 20 मिनट के बाद मेरा सूख गया था पूरा। मतलब ओवरऑल रिव्यू ठीक ही है ऐसा है, लेकिन मैं खादी का जो इस्तेमाल मैं करती हूँ ना, तो उसका बहुत ही अच्छा है। मैं और किसी, ये ख़त्म हो जाए ना उसके बाद मैं खादी का खरीदने वाली हूँ, फिर बताऊँगी उसका रिव्यू बताऊँगी। जो हमारा नींबू पानी पी रहा है वो कारपेंटर आए थे, ऑफिस के स्टाफ भी एक आए थे, तो क्या बहुत सारे जगहों पे ना ऐसे मतलब थोड़े थोड़े कारपेंटर के काम बाकी है, मतलब टूटे फूटे थे, मतलब इधर कर्टन्स डालने के लिए रॉड्स नहीं है, तो इसलिए हमने सेटअप करवाया था ये बेडशीट डाल के। थोड़ा सा वो था ऐसे क्या वो रस्सी था, तो हमने उसके ऊपर डाल दिए थे, एडजस्ट कर रहे थे। और कल पर्दे भी लाए तो आज हो गया, और इसको देखो नींबू पानी पी रहा है। मैंने उनके लिए, वो गए हैं, वो जितने सारे चीज़ ज़रूरत थी, हाँ जितने सारे चीज़, क्या लूना बोलो क्या चाहिए, जूस, जूस पी रहे उसका होड़ देखो, इसको क्या पी रहा है, जूस। इतनी गर्मी हो रही है भाई, मतलब बहुत ही खराब सिचुएशन इधर है, और इसी के वजह से ना मुझे सर्दी लग रही है और छींक भी आ रही है, क्योंकि वो क्या काम करते करते आप फैन नहीं देख सकते। इसको अच्छा है, अच्छा अच्छा है, यम्मी। फिर वो गए हैं और हाँ चाय भी, यीशु यीशु कबूतर आ गया, उधर बंदर की समस्या थी इधर कबूतर की समस्या है, मतलब हर जगह पे कबूतर ही कबूतर, और वो पूरा पॉटी वॉटी कर रहे हैं, उनका पर वर भी आ रहा है, अच्छा नहीं है। मतलब घर पे देख दिखाती हूँ, घर पे पर भी आए हैं, थोड़ा सा वो खिड़की खोलते हैं ना तो पर भी आता है, पर आ गया, मतलब कभी खाने में भी आ सकता है, वो अच्छा नहीं बोलते ना। ये देखो भाई, ओ हो हो, ये हमारा हो गया है सर, आप और किसी जगह पर जा सकते हो। रिशु रिशु गया, अबे नहीं बोलते बर्ड, रिशु गुस्सा कर रहा है उनके ऊपर कि बताया करो, ये मैं इधर आ गया, मत आओ तुम लोग। और रिशु नहीं सो पाया, कितने बज गए,
हमारे पास दो घड़ी है, ये प्रोटेक्शन नेट है। रिशु फेंक देता है ना तो सारा सामान, तो रिशु के वजह से बहुत सारे चीज हमारे नीचे जाते हैं, तो हमने ये लगा ली। कबूतर भी नहीं आएंगे और रिशु भी कुछ नहीं फेंक सकता।